वेलकम टू टेस्ट कहानी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर रेसिपीज एंड वीडियोज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टेस्ट कहानी को अभी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते 3 से 4 नई रेसिपीज इंजॉय करें। सबसे पहले बिरयानी मसाला बनाने के लिए एक बोल में शामिल करें साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 खाने का चम्मच, सौंफ 1/2 खाने का चम्मच, लौंग 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी इलायची 10 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, गुले बादियान 2 अदद, जायफिल 1/2 चाय का चम्मच, जावित्री 1/2 चाय का चम्मच, दालचीनी 2 अदद, तेजपात 1 अदद, नमक 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम मसालों को क्रश करके पाउडर बना लें। अब 8 से 10 अदद आलू बुखारे शामिल करें और मिक्स करें। अब एक बोल में 1 पाव दही डालें। दही में बिरयानी मसाला अच्छी तरह मिक्स करें। 1 केजी चिकन शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब 5 अदद आलूओं को काट के 1/2 करें और उबलने के लिए पानी में डालें। इनमें शामिल करें नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें और 50% गलने तक उबालें। 1 कढ़ाही में 1 कप ऑयल डालें। 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब 1/2 प्याज निकाल लें और बाकी में शामिल करें 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट। अच्छी तरह फ्राई करें। मैरिनेटेड चिकन शामिल करें और अच्छी तरह भूनें। एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें और 1 चाय का चम्मच नमक। 4 टमाटरों की बनाई हुई प्यूरी शामिल करें और तेज आंच पे अच्छी तरह फ्राई करें। दरमियानी आंच पे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएं। अब उबले हुए आलू शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। दरमियानी आंच पे कवर करके 5 मिनट के लिए और पकाएं। अब एक देगची में चावल उबालने के लिए पानी लें और शामिल करें काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 2 से 3 खाने के चम्मच, गुले बादियान 8 से 10 अदद, दालचीनी 2 अदद, लौंग 1 चाय का चम्मच। पानी उबालें और 1 केजी भीगे हुए चावल डालें। चावलों को 70% गलने तक उबालें। अब चावलों का पानी निथार लें।
अब एक बड़ी देगची में थोड़ा सा ऑयल डालें। उबले हुए चावलों की एक तह लगाएं। चिकन का मसाला डालें और तली हुई प्याज छिड़कें। चावलों की एक तह और लगाएं। कटे हुए टमाटर रखें। हरा धनिया डालें और कटे हुए नींबू रखें। पुदीना डालें और थोड़ी और तली हुई प्याज छिड़कें। एक आखिरी तह चावलों की लगाएं। येलो और ऑरेंज फूड कलर डालें। अब कवर करके हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएं। बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।